जैसा कि आप जानते हैं, ये है काजल का घर और आज काजल के घर में हमेशा की तरह सुबह सुबह सभी सो रहे हैं। तो जानते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अली अली अली, लगता है सुबह हो गई। आज तो अंकल सबको पार्क लेकर के जाने वाले हैं। अच्छा हुआ मम्मी नहीं उठी है, मम्मी के उठने से पहले चली जाती हूँ। अगर मम्मी उठ जाएगी तो मुझे पार्क घूमने नहीं देगी। मैं चली जाती हूँ, सारे बच्चे तो अब तक आ ही चुके होंगे। ऐसा ना हो कि मुझे लेट हो जाए, मैं देर हो जाऊँ, अंकल सारे बच्चों को लेकर के पार्क घुमाने चले जाए। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जाती हूँ, कहीं मुझे कोई देख ना ले। अगर मम्मी देख लेगी तो मुझे जाने नहीं देगी। अरे पापा जाग तो नहीं ले? नहीं नहीं नहीं, पापा को तो सो रहे हैं, देखो पापा तो सो रहे हैं। धीरे धीरे पैर दाब के चली जाती हूँ। अरे ये सोना सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे पूछूं क्या? नहीं नहीं, क्या पूछूं, कहाँ जाएगी? बाथरूम जाती होगी, सुबह सुबह तो बाथरूम ही जाते हैं ना, आ ही जाएगी कुछ देर में। मैं भी ना क्या सोचने लगती हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ, उसके बाद उठ के घर का काम कर लूंगी। अच्छा वो मम्मी पापा किसी ने मुझे नहीं देखा, वरना मुझे लोग देते और मैं पार्क घूमने नहीं जा पाती हूँ और बच्चों के साथ। अंकल सब बच्चों को ले ना गए हूँ, कहीं मैं लेट ना हो गई हूँ। अरे वाह, मैं लेट नहीं हुई हूँ, सब बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं भी जाऊंगी पार्क घूमने के लिए, अंकल सबको पार्क घुमाने ले जा रहे हैं। अरे वाह, मैं तो टाइम से आ गई। अरे सोना, तुमने कितना देर कर दिया। तुम्हें मालूम था ना अंकल सुबह सुबह सारे बच्चों को पार्क घुमाने ले जाने वाले हैं, फिर भी तुम इतना देर से आई। हम लोग कब से आकर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, फिर भी तुमने बहुत देर कर दी। आ तो गई ना, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं तो आ गई हूँ। पता नहीं कैसे मेरी आग जल्दी खुली ही नहीं, जैसे खुली मैं भागी भागी आई हूँ, ये सोच करके कि कहीं अंकल सब बच्चों को लेना जाए, मैं छूट ना जाऊँ। मुझे भी पार्क घूमने जाना है, कितना मजा आएगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। सोना भी बाकी बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि इस अंकल ने कहा था कि वो सारे बच्चों को पार्क घुमाने ले जाएंगे, इसलिए सारे बच्चे बिना घर पे बताए ही आ गए थे पार्क घूमने के लिए। सोना कितना मजा आएगा ना, आज पार्क हम लोग घूमने जाएंगे। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि मैं कभी पार्क ले जाऊँ, पर मम्मी कभी पार्क ले ही नहीं जाती है। आज ये अंकल कितने अच्छे हैं ना, हम लोग सबको पार्क घुमाने ले जा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो सारे बच्चे आकर के बैठ गए हो ना, अब मैं तुम लोगों को पार्क घुमाने लेके जाऊंगा। मैंने वादा किया था ना, तुम सारे बच्चों को फ्री में पार्क घुमाने ले जाऊंगा। रुक जाओ, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ, फिर चलता हूँ पार्क घुमाने के लिए। चिंकी, हम लोग पार्क घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन मैंने मम्मी पापा किसी को नहीं बताया, मुझे बुरा लग रहा है। काश मैं उन्हें बता पाती, काश मम्मी भी मान जाती पार्क जाने के लिए, कितना अच्छा लगता। हेलो बॉस, सारे बच्चे को मैंने गाड़ी में बिठा लिया है, मैंने उनसे कहा है कि मैं उन्हें पार्क घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन आप जल्दी से पता लिख करके भेज दीजिए, मैं वहां लेकर के आ जाऊंगा। सारे बच्चे आ चुके हैं, इतने सारे बच्चों का तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा हमें। अरे अंकल कितना देर कर लें, इतना देर कर लेंगे तो हमें कोई देख लेगा। अगर मम्मी पापा ने किसी ने भी देख लिया तो फिर हमें रोक लेंगे, हम लोग पार्क घूमने नहीं जा पाएंगे, मजे नहीं कर पाएंगे। तो रुक जा, मैं देख करके आती हूँ कि अंकल को इतना देर क्यों बोला है। मैं बुला करके आती हूँ कि अंकल जल्दी चलिए जल्दी चलिए, अभी जा करके बुला करके लेके आती हूँ। यहाँ सोना अंकल को बुलाने के लिए जाने लगती है, लेकिन यहाँ अंकल मोबाइल पे बात करते होते हैं, इसलिए सोना पास ही पेड़ के पास छुप करके सारी बातें सुनने लगती है। मैंने सारे बच्चों को बेवकूफ बना के गाड़ी में बिठा लिया है, इतने सारे बच्चों को हम लोग बहुत अच्छे दाम में बेच देंगे, हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, इस तरह से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इन बच्चों को बहुत अच्छे से मैंने बेवकूफ बनाया है पार्क घुमाने के बहाने, इसे लेकर आ रहा हूँ आपके पास। ये सारी बातें सुन करके सोना बहुत डर जाती है। अरे अरे अरे, ये तो किडनैप करके हम लोग को लेकर के जा रहे हैं, मैं भी ना इनके बातों में आ गई, सारे बच्चे इनके बातों में आ गए, ये तो बहुत गंदी अंकल है। अब इनसे कैसे बचे, कैसे बचाएं सबको, अब मैं क्या करूं, कितनी बड़ी गलती हो गई। मम्मी पापा को नहीं बताने का यही नतीजा होता है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा, ये तो बात करके वापस लौटने वाले होंगे, मुझे कुछ जल्दी सोचना होगा, वरना हम लोग सब इस गंदे अंकल के जाल में फंस जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ सोना डर करके वापस में आकर के गाड़ी पे बैठ जाती है। सोना की जैसी हालत खराब थी। क्या हुआ सोना, अंकल ने क्या कहा? वो जल्दी आ रहे हैं ना, कितनी देर से बात कर रहे हैं। हाँ वो अंकल आ रहे हैं, मैंने देखा है, वो आने। चलो बच्चों, मैंने बात कर ली, अब तुम लोगों को पार्क घुमाने ले जाता हूँ। सोना बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, अरे अरे पिंकी, वो दोनों नहीं आए, बबली और सुमन नहीं आए, वो दोनों भी तो हमारे साथ पार्क जाने वाले थे ना। अरे सुमन को
इतना जिद था कि वो भी पार्क जाएगी, अभी तक नहीं आई है। अगर हम लोग चले जाएंगे तो सुमन क्या सोचेगी? बबली और सुमन ये कौन सी दोस्त है क्या? चिंकी तुम हमेशा भूल जाती हो। तुम बबली सुमन को भूल गई, वो दोनों भी हमारे साथ पार्क जाने वाले थे। अगर हम लोग चले जाएंगे तो वो लोग कितना बुरा मान जाएंगे, उनका कितना दिल था पार्क जाने का। अरे सोना ये कौन से दोस्त आ गए तेरे? मैंने तो नहीं सुना कभी इनका नाम, क्या बोले जा रही सोना? चिंकी चुप रहो, एकदम चुप रहो। क्या कह रही है बच्ची? दो बच्चे और हैं, ऐसे में दो बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। दो बच्चे और हो जाएं तो और भी फायदा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे कहता हूँ बुला करके ले आने के लिए। अरे तुम में से जाओ, उन दो बच्चों को जल्दी से बुला करके ले जाओ, कहो कि अंकल को पार्क जाने में देरी हो रही है, जल्दी जाओ बुला के लाओ। अंकल मैं अभी जाती हूँ और जल्दी से बुला करके लेके आती हूँ सुमन और बबली को। अरे ये सोना सुबह सुबह कहाँ चली गई है? ये तो बाथरूम में भी नहीं, मुझे तो लगा कि बाथरूम गई है। मैंने तो पूरा घर देख लिया, ये सोना कहाँ चली गई है? अब तो मुझे टेंशन होने लगी है। ये लड़की ना कभी भी कुछ बता के नहीं करती है, हमेशा अपनी मनमानी करती है। सोना के पापा, मैं सुबह से देख रही हूँ सोना मुझे नहीं मिल रही, मुझे लगा था वो बाथरूम गई है, लेकिन अब तो देख रही हूँ वो तो कहीं भी नहीं है। ये लड़की मुझे बहुत परेशान किए जा रही है। मैंने सुबह देखा था उसे जाते हुए, मैंने नहीं पूछा, मुझे लगा कि वो बाथरूम जाती होगी, इसलिए मैंने नहीं पूछा। क्या काजल, ये कैसी लापरवाही है? तुम्हें पूछना चाहिए था सुबह सुबह सोना का। हाँ शायद सोना के पापा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए था। ओहो, ये लड़की भी ना बहुत परेशान करके रखा हुआ है, इसने बिना बताए कहीं कोई जाता है क्या? अच्छा मैंने घर में तो देख लिया है, जाकर के एक बार पिंकी चिंकी के यहाँ भी देख लेती हूँ, कहीं सोना वहीं गई होगी। इतने में सोना घबराती हुई घर में आ जाती है। सोना को देख करके काजल और श्याम उसका पूछने लगते हैं। अरे सोना सुबह सुबह कहाँ जा रही थी, इतनी देर कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, ऐसे बिन बताए कहाँ चली जाती हो तुम? और सोना तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, क्या हो गया है? इसके बाद सोना सब कुछ सच सच बता देती है। सोना की बात सुन करके श्याम सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ जाता है। पापा जल्दी चलिए वरना वो सारे बच्चों को ले जाएगा। कहा बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा है, इस चोर की तो खैर नहीं। चलो सिद्धार्थ इसे सबक सिखाते हैं, अभी इसे बताते हैं और इसे पुलिस के हवाले करते हैं। चोर को तो मैं अच्छे से ढो डालूंगा आज। चलो चलो सोना हम भी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है वो, बच्चों को बचाने में हम उनकी मदद करते हैं। यहाँ सिद्धार्थ वहाँ आ जाता है जहाँ पे ये किडनैपर बच्चों को लिए इंतजार कर रहा था। क्यों बच्चों के अंकल जी, सुबह सुबह बच्चों को सुना है पार्क घुमाने लेके जा रहे हो, एक काम करो मुझे भी ले चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ बच्चों को लेकर के जाता हूँ, तुम नहीं जा सकते हो मेरे साथ, मेरे साथ सिर्फ बच्चे जाएंगे। सुबह सुबह कौन से और किस पार्क में लेकर के जा रहे हो बच्चे को घुमाने, जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो ले चलो सुबह सुबह, देखूं जरा कौन सा पार्क खुला हुआ है। लगता है ये लड़की ने जा करके सब कुछ बता दिया, मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये ले। अरे यहाँ से जान बचा के भागने में ही भलाई है। अरे 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 कहाँ भागे जा रहे हो अंकल जी, जरा मुझसे भी तो दो चार थप्पड़ खा लो, बच्चों को चुराएगा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अरे अरे भागने का तो सोचना भी नहीं, तुम्हें तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। इसके बाद श्याम और सिद्धार्थ मिलके उस चोर की खूब पिटाई करते हैं। बच्चों जल्दी से गाड़ी से उतरो, वो कोई अंकल तुम्हें पार्क घुमाने नहीं ले जा रहे, वो तुम लोगों को किडनैप करके ले जा रहे थे, जल्दी उतरो जल्दी उतरो। अरे किडनैप कर रहे थे? अरे मैं तो यहाँ पार्क घूमने के सपने देख रही थी। अरे बाप रे बाप। अरे बच्चे जल्दी जल्दी गाड़ी से उतर जाते हैं। अरे हमें तो इनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था, अब घर पे डांट पड़ेगी शोलत। चलो चलो सारे बच्चे अपने अपने घर को चले जाओ, जल्दी चले जाओ, इसे पुलिस के हवाले करते हैं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी, इसे तो अच्छा सबक सिखाएंगे, पुलिस ही डंडे से मार के सीधा करेगी इन्हें। हाँ 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 करेंगे पुलिस के हवाले इसे।